हर हर महादेव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमांशु, आप देखें ट्रेवलिंग शर्मा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा या चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन रूम कैसे बुक कर सकते हैं अपने लिए। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि GMVN की वेबसाइट से आप कैसे ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इन केस उस वेबसाइट पे अगर रूम अवेलेबल नहीं होते हैं तो मैं आप लोग को एक वेबसाइट और बता देता हूँ, तो आप वहां से भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोग को सारी डिटेल्स देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा, तो आप इजीली अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। ओके, इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग को सर्च बॉक्स में आना है। यहां पर आपको केदारनाथ टाइप करना है। यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इस पे आप क्लिक करके आराम से अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के होम पेज पे भी केदारनाथ धाम आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बुक करने से पहले आप लोग को लॉगिन या साइन अप कर लेना है इस वेबसाइट पे। तो लॉगिन या साइन अप करने के लिए आप लोग को लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहां पर सिंपली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे न्यू हैं तो आप लोग को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर कुछ डिटेल्स आप लोग को फिलअप करनी है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है इस वेबसाइट पे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। ओके, लॉगिन करने के बाद आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आप लोग को यहां पर सर्च पे जाना है और केदारनाथ टाइप करना है। तो इस पेज पे आने के बाद आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सपोज करिए मैं सुनील गेस्ट हाउस बुक करना चाहता हूं, तो इसे बुक करने के लिए आप लोग को सेलेक्ट रूम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि चेक इन टाइम जो है वो 12 PM है, चेकआउट टाइम भी 12 PM है, पार्किंग यहाँ पर नहीं है, फूड फैसिलिटी यस आपको फूड मिल जाएगा लेकिन वो पेड होगा, अटैच टॉयलेट भी है, हॉट वाटर भी अवेलेबल है लेकिन वो पेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट वाटर चार्जेबल एज पर द बकेट। यहाँ पर आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला वाला जो है वो 4-bed नॉन एसी रूम्स है, इसमें 4 single beds हैं, अटैच लेट बाथ, बाथरूम अटैच है और ब्लैंकेट्स भी आपको मिल जाएंगे। और कंट्रीब्यूशन 7,500 का ये पड़ेगा, जिसमें 4 single beds हैं, मतलब पर पर्सन अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 1800 rupees के अप्रॉक्स आएगा पर पर्सन। ओके, तो सपोज करिए आप लोग ये वाला बुक करना चाहते हैं, तो आप लोग को बुक दिस रूम पे क्लिक करना है, अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। सपोज मैं जुलाई में जा रहा हूँ, तो 14। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गेस्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस रूम में 4 single beds हैं, तो आप 4 adults आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं। तो बुक नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग को कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, मैं जल्दी से फिल करके आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ। एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, किस दिन आप लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वाली डेट आप लोग को यहां पर मेंशन करनी है। अपना अराइवल टाइम यहां पर आप डाल सकते हैं कि आप 12 PM से 1 PM तक पहुंच रहे हैं, 2 से 3, सपोज करिए मैं 2 से 3 बजे पहुंच रहा हूं वहां पर, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और बुक नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं, आप लोग को मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आप लोग यहां पर कोई भी ऑप्शन को चूज करके पेमेंट कर सकते हैं और अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं।
आप लोग सुनील गेस्ट हाउस, वाईडी स्टे एंड मेरुत मंडल सदन, इसको आप बुक कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बट मैं इसको चेक कर चुका हूँ, तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये केदारनाथ टेम्पल के बहुत ही पास में है, और भी पास में, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला आप लोग को दिखा देता हूँ, सेलेक्ट रूम पे क्लिक करना है। इसमें भी आप लोग को कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम। यहाँ पर आप लोग को 4 सिंगल बेड्स मिल रहे हैं एंड ओनली फॉर ₹6,000, दैट मीन्स पर पर्सन ₹1,500 आएगा। तो ये काफी बजट में है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले को बुक कर लें। जैसे कि बुक दिस रूम पे क्लिक करना है, और बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है, आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ गेस्ट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मैक्स यहाँ पर 4 सिंगल बेड्स हैं, तो आप 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बुक नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेम डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, बुक नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट करके आप अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जो भी केदारनाथ या चारधाम यात्रा करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।